हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे ये अल्लाह जानता है, लेकिन आप जो है एक इंडिया के रिनाउंड पर्सनैलिटी रहेंगे। आई हैव फर्म कॉन्फिडेंस इन यू कि हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। भर ये याद रख लिए हैं, आज से 10 साल के बाद भी ये जब प्रेसिडेंट भी बनेंगे तो कभी ना कभी ये पोडियम से कहेंगे कि व्हेन आई वाज अ किड एन आर्मी ऑफिसर विजिटेड माय स्कूल एंड ही रियली पुट मी इनटू अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दैट आई स्टिल रिमेम्बर आई कुड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। वंडरफुल, आप यहाँ क्यों आए हो और आप क्या बनना चाहते हो ये आप बताएं। और कैसा लग रहा है आप? क्लासरूम ऐसा होगा आपने इमेजिन किया था या कैसा होगा आपने इमेजिन किया था? क्या ट्रेनिंग होगी, कैसी होगी, आपका गोल क्या होगा, ये सब बताया। सर क्लासरूम तो बहुत बढ़िया है सर, रहना कहना खाना सब भी बढ़िया है, मैंने जितना इमेजिन किया था सर उसे भी बहुत बढ़िया है सर। सर मैं चाहूँगा कि सर आपकी तरह बनूँ सर। और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स व्हीकल चलाते हैं। तो उनसे मिलकर आए हो आप? क्या मैसेज दिए उन्होंने आपको, कुछ बताया कुछ मसीह सर? बोला कि तुम बहुत मेहनत लगाना, बहुत मेहनत लगाना, जितना तुम कर सकते हो उतना करना, एक गोल तुमको कुछ अचीवमेंट लेके आना है। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ अचीवमेंट जरूर लेके आऊँगा। आपका आपके क्लासमेट्स के लिए क्या मैसेज है? आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो दूसरे स्टूडेंट के अलावा? सर मैं यही कहूँगा कि वो बहुत मेहनत करे और मन दे, क्योंकि ये मौका उनको नहीं मिलेगा। अच्छी उर्दू कैसे बोल पा रहे हो, मैं ताजिब कर रहा हूँ। ये करीमगंज आई थिंक ये आउटस्कर्ट्स पे है ना, बहुत आउटस्कर्ट्स पे। आपकी हिंदी इतनी अच्छी है और मुझे इंटेलिजेंस जो है पूरी स्वामी विवेकानंद जी की इंटेलिजेंस दिख रही है आपकी खोपड़ी में, कितने अच्छे आंसर्स दे रहे हैं ये क्वेश्चंस के। और मैंने जो इमेजिनेशन किया था उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ मिल रहा है, खाना वाना सब अच्छी चीज़ है। और मैं चाहूँगा कि हर एक लड़का ये विजन, ये इंटेलिजेंस, ये पैशन, ये दर्द ले। जब तक हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे ये अल्लाह जानता है, लेकिन आप जो है एक इंडिया के रिनाउंड पर्सनैलिटी रहेंगे। आई हैव फर्म कॉन्फिडेंस इन यू। आसाम नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे और यहाँ के कॉन्वोकेशन में भी, और वहाँ एक जो हम मिनी कॉन्वोकेशन करेंगे, मिनी क्या बल्कि वो भी ग्रैंड ही करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बड़ा एक कॉन्वोकेशन वहाँ पर हम यहाँ के होने के बाद एक दो दिन वहाँ जाकर यहाँ के बच्चों को, और जो सुपर 40 के हैं और भेलगुड़ी के भी जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी ले जाएंगे हम लोग करीमगंज। कश्ती में बैठना चाहते हैं? यस। अच्छा, करीमगंज में नहीं होता होगा, वो धुबरी में ना? अच्छा जी जी, ठीक है, वंडरफुल, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा है बच्चा ये, माशाल्लाह बहुत अच्छे, वेरी गुड। और AMRS के बच्चों से, और 10 ही दिन में आप लोग बता देंगे कि देयर इज नो डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट्स ओवर हियर। सीखने के लिए पैशन की जरूरत है, ना एज, ना लोकेशन, ना रिलीजन। सीखना अगर चाहता है, रिलीजन इज नॉट द बाउंड्री, एज इज नॉट द क्राइटेरिया, लोकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आप में अगर पैशन है आप हर चीज सीख सकते हैं। सिट डाउन प्लीज। और जो AMRS के जो
May I ask the director of Atman Foundation, Dr. Kasturbam Sabhaswa, up the stage to distribute the certificates. Big round of applause for this wonderful performer. And we distribute to the poor children where we go, spend time with them for about 3 to 4 hours, and we teach them. We do it on Sundays. We do it because I have learned from my teachers and from my mentors that the best form of the charity is to impart education. Otherwise, we tend to believe that the one who is donating lots of funds, I mean, in the form of money, they are generous people. No, it's not that. The best form of the charity is to impart education. Aap ek cheez seekhte ho, wo dusron ko agar sikha rahe ho, you are contributing not only to that one individual, but you are contributing to nation building as well. Aap desh ko develop karne mein, aap contribute kar rahe ho, agar koi individual ko aap ek koi cheez sikha rahe ho, ek cheez bhi agar aap sikhate ho, तो ये रीच एंड टीच से हम लोग को वहां जाकर पढ़ाने का मौका मिलेगा और ये 9 पार्टिसिपेंट्स जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो लोग यहां आ चुके हैं. 3 फ्रॉम द मॉर्निंग बैच, 3 फ्रॉम द आफ्टरनून बैच और 3 यहीं पर हैं. एंड द गेस्ट हु हैव कम ओवर हियर, वी रियली वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ अजमल फाउंडेशन एंड इंग्लिश हाउस अकेडमी, वी वेलकम यू एंड योर प्रेजेंस हैज रियली strengthen our confidence, especially the boys and girls sitting over here. They will really enjoy your presence over here. And we have very short demonstrations because we are running short of time. We have to distribute the certificates as well. And the current batch, may I bring it to your notice that the current batch started very recently. वो मुश्किल 3 या 4 दिन हुआ है ये बैच शुरू होकर के. On 25th we started one batch, on 30th we started one batch, and on 3rd we started this batch. इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स 6th को आए हैं, 6th 7th को, बमुश्किल 4 सेशंस अटेंड किए. कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, इसके बाद जो गेस्ट आए हैं उनका बाकायदा वेलकम होगा. अजमल फाउंडेशन से जिम्मेदारान जो भी है वो वेलकम करेंगे. दे हैव कम हियर टू सी द डेमोन्स्ट्रेशन. सभी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. वेरी काम एंड कंपोज्ड बट वेरी डायनामिक टू कलेक्ट हिज सर्टिफिकेट. स्टार परफॉर्मर ऑफ द वीक 1. गुड जॉब. यस, मे आई नाउ इनवाइट द 3 स्टार परफॉर्मर्स ऑफ फ्रॉम द सेकेंड बैच. जोनाकी साहब, she is pursuing BA from Azir Ajmal Memorial College of Education. A big round of applause for Jonaki Saha. Right, yes. Subscribe to my channel and also press this bell icon.